Hey friends, what's up? This is Maryam Siddiqui. Welcome to my channel. आज का टॉपिक है टॉप 5 अंडररेटेड बॉलीवुड मूवीज. आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है हम इंडियंस के साथ. जब भी कोई टिपिकल बॉलीवुड मसाला मूवीज आती है, हम कहते हैं क्या बकवास मूवी बना दी, वही घिसी पिटी बोरिंग स्टोरीज. और जब कुछ अलग बनाओ तो कहते हैं ये क्या बना डाला, वो तड़का वो मैजिक किधर है. एक तरफ हम हैं जो हैप्पी न्यू ईयर जैसी मूवीज को रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग कराते हैं, दूसरी तरफ शिकायत करेंगे कि ऐसी मूवीज कौन बनाता है. ये हम हैं जिसके वजह से किक रेडी दिल वाले जैसी मूवीज चलती हैं, और इनके आड़ में कुछ बेहतरीन मूवीज हैं जो हमसे छूट जाती हैं. हम आज कुछ ऐसी मूवीज लेके आए हैं जो कि क्रिटिकली अक्लेम्ड होने के साथ साथ कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, बट बॉक्स ऑफिस पे बिलो एवरेज रही. नंबर 5 पे धनक, अ नागेश कुकनूर मूवी रिलीज्ड इन 2016. एक सिंपल मूवी को किस तरह खूबसूरत बनाते हैं, ये नागेश कुकनूर को बखूबी आता है. धनक इज अ फेरी टेल रोड ट्रिप. इस मूवी में सब कुछ है, सिंप्लिसिटी, पॉजिटिविटी, फेथ, लव एंड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर. बात करें परफॉर्मेंस की तो एक्टिंग ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर डुओ इज मेस्मराइजिंग. इफ यू मिस द मूवी, यू विल मिस लाइफ. नंबर 4 पे मार्गरिटा विद अ स्ट्रॉ. इट्स अ 2014 मूवी डायरेक्टेड बाय सोनाली बोस. दिस मूवी इज सो मच एंड सो लिटिल बोथ एट द सेम टाइम. लाइफ के हर पहलू को सोनाली बोस ने ब्रिलियंटली शो किया है, चाहे वो डिसेबिलिटी हो या सेक्सुअलिटी. उसको एक्सेप्ट करके एक नॉर्मल लाइफ जीना सबका हक है. डिसेबिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, माइंडसेट इज. बात करें परफॉर्मेंस की तो कालकी इज आउटस्टैंडिंग, बहुत ही रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दी है. नंबर 3 पे है पार्ज, डायरेक्टेड बाय लीना यादव. दिस मूवी वॉज रिलीज इन 2016. बोल्ड, सेंसिटिव एंड हाईली रियलिस्टिक वोमेन सेंट्रिक फिल्म. आज भी कई गांव शहर ऐसे हैं जहां औरतों को आज़ादी से जीने का हक नहीं, कहीं सोसाइटी के डर से तो कहीं अपने ही घर वालों की वजह से वो अपने हिस्से की खुशियां सेक्रीफाइस करती आ रही हैं. दिस मूवी इज अबाउट 3 वोमेन एंड देयर स्ट्रगल इन देयर ओन लाइफ. राधिका आप्टे, तनिष्ठा चटर्जी एंड सुवरीन चावला गिव्स अ पावर पैक्ड परफॉर्मेंसेज. नंबर 2 पे न्यूटन, डायरेक्टेड बाय अमित मसूरकर, रिलीज इन 2017. इंडियन डायरेक्टर्स के पास कितना पोटेंशियल है वो आप न्यूटन देख के पता लगा सकते हैं. वोट देना कितना जरूरी है और ये हर हिंदुस्तानी का हक है, ये बात अमित मसूरकर ने अपने मूवी के जरिए बताने की कोशिश की है. एंड नॉट ओनली दिस, बट इट ऑल्सो रेजेस सम वेरी सीरियस क्वेश्चन अबाउट द वर्किंग ऑफ अ सिस्टम. न्यूटन इज नॉट जस्ट अ ब्रेव फिल्म, बट परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म ऑफ द ईयर 2017. एंड राजकुमार राव एक्टेड ब्रिलियंटली. बिफोर रिवीलिंग आवर टॉप पोजीशन, हियर आर सम ऑनरेबल मेंशंस: लंच बॉक्स, मसान, सलाम बॉम्बे, लायर्स डाइस, लिपस्टिक अंडर माई बुरखा एंड ट्रैप्ड. दीज मूवीज आर इक्वली गुड. नंबर 1 पे है किस्सा, द टेल ऑफ अ लोनली घोस्ट, डायरेक्टेड बाय अनूप सिंह इन 2013. इट्स अ कॉम्प्लेक्स टेल ऑफ एन ऑब्सेस्ड फादर और उसकी जिद कि बेटा ही चाहिए कैसे सबकी जिंदगियां बर्बाद कर देती है. अफसोस है कि इस मूवी को वो पहचान ना मिल सकी जिसकी ये हकदार थी. वेरी वेल रिटन एंड ग्रेट परफॉर्मेंसेज बाय ईच एंड एवरी एक्टर, वेदर इट्स इरफान खान और तिलोत्तमा सोम. अनूप सिंह ने एक मूवी नहीं बल्कि आर्ट फॉर्म किया है. इट्स अ मस्ट वॉच मूवी. तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने व्यूज कमेंट में जरूर मेंशन करें. थैंक यू.